इतनी कैटेगरीज हैं शादी तोड़ने की इस्लाम में तलाक हसन तलाक एहसान तीन पत्रों के थ्रू वो मुझसे संबंध छुड़ा रहे हैं बताइए ये कैसा धार्मिक कानून है मैं इसको नहीं मानूंगी और ना मैं अब किसी पुरुष को मानने दूंगी अपनी आखिरी सरकार से ये हाथ जोड़कर विनती है कि मुझ जैसी पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिसमें पुरुषों को इस्लाम के नाम पर ये ताकत मिली हुई है कि वो एक तरफा बीवी को तलाक दे दें 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध करार दिया था जिसके बाद से केंद्र सरकार ने कानून भी बना दिया है लेकिन यह जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो तलाक बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के लिए था यानी एक साथ तीन बार तलाक बोल देना और जो महिला आपकी पत्नी है उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेना उसको अपने से अलग कर देना ये जो व्यवस्था थी इसे सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ना तो इसकी इस्लाम में कोई जगह है ना भारत का कानून इसे मान्यता दे सकता है पर मुस्लिम समाज में तलाक की जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं तलाक हसन तलाक अहसन ये जो व्यवस्थाएं हैं जहां पर कि एक एक महीने के अंतराल में लिखकर या बोलकर तलाक दिया जा सकता है यानी एक साथ एक झटके में नहीं लेकिन एक एक महीने के अंतराल में कहा जा सकता यह व्यवस्थाएं बरकरार थी और अभी भी वो जारी है अब ऐसी व्यवस्थाओं को भी चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है इसे बेनजीर हिना नाम की महिला ने जो खुद प्रभावित हैं इससे और उन्होंने कहा है कि इस तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली जो व्यवस्था है उसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर देना चाहिए इस देश में बेनजीर हिना हमारे साथ है बेनजीर आपने इसे चुनौती क्यों दी है क्या आप खुद भी प्रभावित हैं इस मामले में हाँ मैं खुद भी प्रभावित हूँ क्योंकि पहले मैं खुद इतना अवेयर नहीं थी तब मुझे लगता था तीन तलाक जो बिद्दत बैन हुआ है तो ये बैन हो गया भारत में मुझे ऐसा लगता था और मेरे जैसी तमाम लड़कियों को यही पता था जो इस्लाम फॉलो करती हैं और मुस्लिम समुदाय से आती हैं लेकिन जब ये मैं सरवाइव हुई ये मुझ तक पहुंचा तो मैं बता रही रू आपको तब मुझे पता चला कि इतनी कैटेगरीज हैं शादी तोड़ने की इस्लाम में तलाक़ हसन तलाक़ एहसान जब मेरे पास ये स्पीड पोस्ट से मेरे हस्बैंड ने मुझको भेजा तो पहले तो मुझे लगा कि ये क्या है तलाक एहसान क्या है फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये ये भी इतनी कैटेगरीज हैं इस्लाम में शादी तोड़ने के लिए तलाके एहसान तो तलाके एहसान को जब मैंने उसको डिटेल में पढ़ा तो उसमें से ये था कि तीन इंस्टॉलमेंट में मंथली इंस्टॉलमेंट में वो मुझे डिवोर्स देंगे जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट की अदायगी उन्होंने कर दी है इस महीने अप्रैल में जो अप्रैल गया अभी इसमें कर दी है और बाकी की दो अदायगी वो हर मंथली इंस्टॉलमेंट में करेंगे अच्छा यानी कि एक तरह से आपके पति को ये अधिकार है आप ये कह रही हैं कि उनको अधिकार है कि वो लिख कर दे दें एक एक महीने के अंतर में दे दें और वो अभी भी यूनिलेटरल अपनी तरफ से पुरुष पीछा छुड़ा सकता है शादी से और महिला को इस बारे में कोई अधिकार नहीं है इसको आपने चुनौती दी है जी हाँ ये कैसा कानून है या ये कैसा धार्मिक कानून है मैं मैं इसको नहीं मानती और ना मैं अब मनवाने दूंगी किसी को कि ये एक, एक तरफा बिल्कुल एक पुरुष बिना किसी जिम्मेदारी के तहत ना तो उसकी बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी ना बीबी के प्रति कोई जिम्मेदारी ना समाज के ना देश के बस वो अब दूर बैठा हुआ है मेरा हस्बैंड मुझसे पांच महीने से मुझसे मिले नहीं है मुझसे देखे नहीं है मुझसे बात नहीं करी बच्चे को नहीं देखा मुझे नहीं देखा उन्होंने तीन पत्रों के थ्रू वो मुझसे संबंध छोड़ा रहे हैं बताइए ये। ये कैसा धार्मिक कानून है मैं इसको नहीं मानूंगी और ना मैं अब किसी पुरुष को मानने दूंगी अपनी आखिरी और मेरा सुप्रीम कोर्ट से भारत की सरकार से ये हाथ जोड़कर विनती है कि मुझ जैसी पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिसमें पुरुषों को इस्लाम के नाम पर ये ताकत मिली हुई है कि वो एक तरफ बीवी को तलाक दे दें और मैं भारतीय सरकार से ये अपील करूंगी कि सामने जो बोलने वाली उन्होंने बैन करी थी ना तलाक तलाक बिद्दत उससे कुछ नहीं होता ये भी वही है ये भी तीन तलाक ही है ये तीन तलाक बैन नहीं हुआ है ये भी तीन तलाक वो क्या है वो मंथली इंस्टॉलमेंट में दे रहा है ना देख रहा है उसने मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे सोशल प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया जैसे ही मुझे रिसीव हुआ उन्हें नोटिस रिसीव हुआ होगा कि मुझे ये मिल गया तलाक उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया बताइए वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गए ये कैसा कानून बेनज़ीर हिना ने जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है इस मामले को लेकर आ, इनके वकील हैं अश्विनी उपाध्याय अश्विनी उपाध्याय इस तरह के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे इनसे भी बात करते हैं अश्विनी जी कानूनी रूप से क्या बातें आप लोगों ने याचिका में कही देखिए हमने कहा है है कि आर्टिकल आर्टिकल संविधान का जो 14 है, 14, 15, 21 और 25 ये इसका पूरी तरीके से उल्लंघन है हमने ये कहा है कि संविधान का आर्टिकल 25 जो धर्म का अधिकार देता है वो अधर्म का अधिकार नहीं देता वो रीतियों का अधिकार देता है कुरीतियों का अधिकार नहीं देता वो प्रथा का अधिकार देता है कुप्रथा का अधिकार नहीं देता और जो भी महिला पुरुष में भेदभाव करे रीति रिवाज प्रथा वो कुप्रथा है वो कुरीति है उसको बैन होना चाहिए क्योंकि सरकार ने बैन नहीं किया है सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस जितने भी मौखिक तलाक हैं जितने भी वन साइडेड तलाक हैं यूनिलेटरल तलाक हैं जैसे तलाक हसन है तलाक़ एहसान है तलाक़ सुन्नत है और भी कई तरीके के तलाक चल रहे हैं जो किस्तों में चलते हैं ट्रिपल तलाक और इसमें केवल इतना अंतर है कि उसमें तीन बार एक साथ बोल सकते थे इसमें आपको एक एक महीने पे तीस तीस दिन के अंदर आपको तीन बार बोलना है एक बार अप्रैल में बोल दीजिए एक बार मई में बोल दीजिए एक बार जून में बोल दीजिए बेनजीर को अप्रैल में बोला जा चुका है अगली किस्त दिन की मई में आएगी अगली किस्त जून में आएगी और सबसे सरप्राइजिंग कि इनको पोस्ट ऑफिस से भेज दिया है इनके पास आके भी नहीं इनको कहा कि भाई हम तुम्हें तलाक देना चाहते हैं और हम क्यों देना चाहते हैं कोई कारण नहीं कोई कारण नहीं कोई आपसी सहमति नहीं ना मां बाप न मां बाप के बीच में कोई पंचायत हुई कुछ नहीं हुआ ये वन साइडेड हो गया है ये लार्जर इश्यू तो आप लोगों ने रेज किया है कि महिलाओं के साथ ये गलत हो रहा है और ये इसको खत्म करना चाहिए निश्चित रूप से ये डिटेल्ड हियरिंग का विषय है लेकिन अभी एक स्थिति ये भी है कि बेनजीर को एक बार उनके पति ने लिखित रूप से तलाक कह दिया है और अगले दो महीने में जब ये प्रक्रिया अगर ये रुकी नहीं तो फिर वो इस्लामिक कानून के हिसाब से और जिसको कि भारत में अभी मौजूदा संविधान में और व्यवस्था में मान्यता है ऐसा नहीं है कि उसको मान्यता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तलाक बिद्दत के खिलाफ था तो अगर इसे रोका नहीं गया तो इनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो क्या आप लोग एक अर्जेंट हियरिंग की भी सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे इस पे हम एक अर्जेंट हियरिंग की मांग करेंगे और इस पे हम एक स्टे की भी मांग करेंगे आज अभी हमने पिटीशन फाइल किया है केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय गृह मंत्रालय लाए, महिला एवं बाल विकास विभाग भिवा, एनएचआरसी एनसीडब्ल्यू सबको पार्टी बना के आज हमने पिटीशन फाइल कर दिया है अर्जेंट हियरिंग की मांग करेंगे और ये जो एक किस्त आ गई है बाकी की दोनों किस्त ना आए जो दो चिट्ठियाँ इनको भी और आने वाली वो ना आए उस पर स्टे की भी मांग करेंगे और केवल इनके लिए नहीं मांग करेंगे हम मांग करेंगे कि पूरे देश भर में तत्काल प्रभाव से तलाके हसन तलाके एहसान तलाके सुन सुन्नत ये जितने भी मौखिक मतलब वन साइड तलाक है इस तत्काल बैन किया जाए और दूसरी हमारी मांग है कि इस देश में चूंकि एक सेकुलर देश है संविधान से चलता है तो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स दोनों सबके लिए यूनिफॉर्म हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू की बेटी के लिए अलग नियम कानून मुस्लिम की बेटी के लिए अलग कानून पारसी के लिए अलग ईसाई के लिए अलग ये यूनिफॉर्म होना चाहिए सवाल मैं बेनजीर से और करना चाहूंगा बेनजीर आपकी क्योंकि बहुत तमाम लोग देख रहे हैं एक तो जो लोग अभी देखेंगे इस इंटरव्यू को सबसे पहले उनको ये लगेगा कि इसका नाम तो मुसलमानों वाला है बेनज़ीर हिना लेकिन लगता नहीं है कि इसकी कोई आस्था है या ये मानती है किसी चीज को और तभी ये इस तरह की आवाज़ उठा रही है तो एक तो स्पष्टता ये चाहेंगे कि क्या आप न्यूट्रल व्यूज रखती हैं ऐसे मामलों में या आप धर्म को लेकर पाबंद रही हैं हमेशा से दूसरी बात ये है कि आपकी शादी को कितना समय हुआ और क्या बच्चे भी हैं ये स्थितियाँ क्या हैं इनके बारे में भी जरा बताइए धर्म के नाम पर क्या दिखाना है क्या दिखना चाहिए धर्म से जो एक हिंदू है क्रिश्चियन है जैन है पारसी है वो कैसी दिखती है लड़की तो एक मुस्लिम लड़की की पहचान वही है कि वो ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर के एक कवर में हो जिसको बुरका नाम दिया जाता है या वो हिजाब में हो तो तभी वो मुस्लिम होगी मैं इस तरीके के अगर ड्रेस में हूँ जीन्स और ये टॉप पहन रखा है तो क्या मैं मुस्लिम नहीं हूँ मेरी मुस्लिम पहचान कोई छीन लेगा मौलवी आकर मुझे ये बताइए मैं कुरान भी पढ़ी हुई हूँ मैं नमाज भी पढ़ती हूँ मैं रोज़ा भी रखती हूँ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आमतौर पर लोगों की पहली प्रतिक्रिया यही रहती है कि लगता है कि इसको कोई मतलब नहीं है और सिर्फ ये नाम से मुस्लिम है तो मैं यही पूछ रहा था कि क्या आपको सारी चीजों से विरोध है या आपको इस प्रक्रिया से विरोध है और अभी आपकी जो शादी की जो स्थिति है कितना समय हुआ क्या बच्चे हैं ऐसी क्या बात रही कि अचानक से इस तरह की आपको परिस्थिति फेस करनी पड़ी ये भी लोग निश्चित रूप से जानना चाहेंगे मेरी शादी को कुल 16 महीने हुए हैं और जिसमें मेरे पास 8 महीने का मेरा बेटा है शादी के कुछ दिन के बाद से ही हमारे बीच अनबन हो गई थी इसे मैं अवॉइड करती थी कि ठीक है हर हस्बैंड वाइफ के बीच होता है हर कपल के बीच होता है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा लेकिन असली प्रॉब्लम मेरे बेबी बॉन्ड होने के बाद आई कुछ सरकम चांसेज ऐसे थे कि मैं सात दिसंबर 2021 को अपने हसबैंड के घर से निकाली गई उसके बाद मैं अपने पिताजी के घर पे आई उसके बाद से टिल आज की डेट ये इंटरव्यू मेरा हो रहा है दो मई दो है आज की डेट तक मेरे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड का पता नहीं है वो कहाँ पर है मेरे बच्चे के लिए उनको नहीं पता कि बच्चे का बच्चे का मैं खर्चा कैसे कर रही हूँ मैं बच्चे को किस परिस्थिति में पाल रही हूँ मैं खुद का अपना कैसे कर रही हूँ मेरे पास रहने के लिए, लिए घर भी नहीं है मेरे पास आज छत भी नहीं है उन्होंने मैं अभी कैमरे पे नहीं बताऊँगी ऑफ कैम ऑन द कैमरा में ये नहीं बताऊँगी उन्होंने क्या क्या और ऐसी हरकतें करी हैं कि उन्होंने पूरी ऐसी हरकतें करी कि मेरे पिताजी मुझे घर से भी निकाल दे मेरे ऊपर से मेरे रिश्तेदारों तक का हाथ उठ जाए तो आप ये समझिए मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं तो मेरे पास अपनी छत भी नहीं है मैं तो आश्रय की तलाश में उस बच्चे को लेके ना कहाँ जाऊँ मैं किराए के घर में रह रही हूँ बताइए मेरे पास छत भी नहीं है मेरे पास रह मेरे मेरे बच्चे के रहने के लिए घर नहीं है मेरे, आ, और आ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँगी मैं सात दिसंबर को उनके घर से निकली बाईस दिसंबर को मेरी पैनक्रियाटिक सर्जरी हुई है तब तक मेरे पति का आता पता नहीं था मेरे भाई के द्वारा इन्हें न, उन्हें इन्फॉर्म किया गया उन्हें को कोई दात नहीं था कि वो पैसे से मेरा खर्चा उठाते या फिजिकली भी आगे खड़े होते या बच्चे को भी देखते तो मेरा पति से से तो है ही कि तुम मुझे बताओ तुमने मुझे तलाक दे छोड़ दिया मुझे और बच्चे को मैं कहाँ जाऊँ मेरे सर पे तो छत नहीं है लेकिन मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा भारतीय सरकार से भी सवाल है आप ये बता दो मैं कहाँ जाऊँ आप लोगों ने तो तब इस तरीके का तलाक छोड़ दिया था ना कि छोड़ दो ठीक है तीन इंस्टॉलमेंट में भी दे देगा इस्लाम के नाम पे हस्बैंड अब उसने दे दिया इस्लाम के नाम पर ना ये इंस्टॉलमेंट पर मुझे तलाक दे दिया तो मैं अब कहाँ जाऊँ या मुझ जैसी ना पता नहीं और भी कितनी लड़कियाँ होंगी उनके साथ क्या होता होगा मैं तो इस टाइम दिल्ली में हूँ तो शायद ये मामला लेकर मैं आ भी गई जो दूर दराज गाँव की लड़कियाँ होंगी उनके साथ क्या होता होगा और निपुन जी मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद मुस्लिम परिवार से हूँ और मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ तो जब लड़की को इस्लामिक टीचिंग दी जाती है ना कुरान और नमाज उसको सिखाया जाता है सात आठ साल की उम्र से तो मौलवी या फिर वो लेडी मौलवी होती है या वो जेंट्स तो उसको बचपन से ना एक चीज़ बताई जाती है जैसा हदीस में लिखा है ना जैसा मुल्ला मौलवियों ने बोला है ना वही आपकी नियति है आपको उसके अगेंस्ट नहीं जाना है तो क्या होता है मैं तो कहूंगी 90 ही नाइनटी फाइव परसेंट ऐसी महिलाएं उनको यही पता होता है जी नहीं अब ये आया है इस तरीके से मुसलमानों में इस तरीके का तलाक बनाए तो हमारी ना यही नीयती है तो ये ठीक है वो मान के ना बैठ जाती है कि जो पति कर रहा है ना एक तरफा वो सही है वो चार शादियां कर ले जायज़ है जी इस्लाम में है वो इस तरीके का हमें तलाक दे दे जी इस्लाम में है वो हमें किसी भी तरीके से ऐसा अनाज छोड़ दे बच्चे को भी ये, ये बातें तो आपने भी सीखी होंगी फिर आप ये आज ये लड़ाई लड़ने का हौसला या हिम्मत कहाँ से आई आपको क्योंकि मैंने अपने भारतीय संविधान को पढ़ा है और उन उन लड़कियों के साथ पढ़ाई करी है जो हिंदू हैं सिख हैं उन लड़कियों के साथ मैंने पढ़ाई करी है तो मैं और रोज का मेरा उनके साथ मिलना जुलना है जो मेरा समुदाय है वो खाली मुस्लिमों तक ही सीमित नहीं है मैं देखती हूँ उनके यहाँ तो ऐसा तलाक नहीं होता उनके तो पति इस तरीके के एक तरफा तलाक नहीं दे सकते उनपे तो भारतीय कानून लागू है तो मुझ पर क्यों भारतीय कानून लागू नहीं है मैं भारत की नागरिक हूँ मैं भी तो ठीक है मैं धर्म से मुसलमान हूं मेरा जो धर्म है वो मुस्लिम है लेकिन जो भारतीय कानून है उसके तहत मुझे सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है मेरा सवाल ये है जब एक हिंदू लड़की को मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं तो बहुत वाजिब सवाल बेनजीर उठा रही हैं और खास तौर पे ये पीड़ित भी है सीधे सीधे इनके पति ने इनको एक नोटिस भेज दिया है पहले तलाक का और दो महीने में अगर ये प्रक्रिया रुकी नहीं तो तलाक हो जाएगा इनका इनका सवाल बहुत वाजिब है कि जब ये भारत की नागरिक हैं तो वही व्यवस्था इनके लिए क्यों नहीं है जो दूसरे धर्म से जुड़ी लड़कियों के लिए है कि वहां पर उनके पति इस तरह से एक तरफा अपनी मर्जी से तलाक नहीं दे सकते कि कोई कारण भी नहीं बताएंगे और लिख कर दे देंगे और तीन महीने में तलाक हो जाएगा इसे चुनौती दी है इन्होंने और जो लंबी कानूनी लड़ाई है क्योंकि शायद एक दिन में तो ऐसा फैसला नहीं आ जाएगा लेकिन ये लड़ने को तैयार हैं और इनका यह कहना है कि सिर्फ अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रही हैं भारत की हर लड़की के लिए और खास तौर पे मुस्लिम समाज की हर लड़की के लिए लड़ाई लड़ रही हैं जिन्हें वो अधिकार जो संविधान ने दूसरी लड़कियों को दिया है वो अब तक नहीं मिल पाया है इस लड़ाई में अश्विनी उपाध्याय इनके साथ हैं ये खुद बहुत हिम्मत के साथ लड़ रही हैं और शायद बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो इस तरह की व्यवस्था का शिकार हैं उनकी भी उम्मीदें इस याचिका के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई जरूर होंगी